त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज दसवें चरण का मतदान शांतिपूर्वक हुआ। गौरतलब है कि दसवें चरण का मतदान अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बाराचट्टी एवं मोहनपुर प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया, जिसके लिए एसएसबी सीआरपीएफ कोबरा जवानों की हर तरफ मतदान केंद्रों पर तैनाती की गई थी। मतदाताओं ने दर्पण न्यूज को बताया कि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग विकास के आधार पर वोट कर रहे हैं। लोग ना किसी लालच में, ना किसी के झांसे में आकर, बल्कि जो विकास करे उस आधार पर लोग प्रतिनिधि को वोट कर रहे हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा था। सुबह से ही लोग भारी संख्या में लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर मतदान किया। लोगों ने भारी संख्या में लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर मतदान किया। लोग बदलाव चाह रहे हैं, जो पुराने जो भी कैंडिडेट थे उनको बदलाव करना चाहते हैं और अच्छे मतलब विकास चाहते हैं इस इलाके के, चाहे वो पंचायत का हो या फिर जिला व क्षेत्र का जो होता है वो उसका। मतदान अभी नहीं, कैसे करने जा रहे हैं? अच्छा, किस मुद्दे पे मतदान करेंगे आप लोगों की क्या लग रहा है या क्या सोच होगा इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रही है, इसमें किस मुद्दे पर मतदान करेंगे आप? सर, हमारे गांव के सभी लोग जो जागरूक मतदाता हैं वो विकास के मुद्दा से ही वोट कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो इलेक्शन है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, त्रिस्तरीय इलेक्शन, और हम लोग चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट विकास करेगा उसी के लिए हम लोग यहाँ पे समर्थन भी किए हैं। और उसके साथ साथ में बजरगढ़ पंचायत के वार्ड नंबर 13 में शांतिपूर्ण इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर किसी तरह का कोई किसी प्रकार का कोई भी मतलब माहौल खराब करने का कोई कोशिश नहीं किया है। कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट।